हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन सिलिको स्टडी इन विच मॉलिक्यूलर वील यूज हैक्स सॉफ्टवेयर विथ टू परफॉर्म मॉलिक्यूलर डॉकिंग. नाउ मूविंग टूवर्ड्स मॉलिक्यूलर डॉकिंग बाय फर्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट लिंक्स एंड अदर सॉफ्टवेयर दैट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल टू अकम्पलिश दिस molecular docking with the help of HECS. RCSB protein data bank is a site. Here is the address for the site from which we can procure the protein structure of your receptor or ligand. PubChem is another site from where we can easily procure the structure, chemical structure of the receptor or ligand which is not in protein in nature. OpenTable is a software that you have to download. It's not an online portal. This software you have to download from this mentioned site for the conversion of one chemical structure of a compound into another format. Online SMILE translator and structural file generator is an online tool from where you can easily convert one structure into another form. HECS is the actual software. You can download it from this address. And to perform the molecular docking, Resmol or Pymol are the software that are required to analyze the structure that is the complex that you will get after the molecular docking with the help of HECS. So let's start the procurement from the procurement of the PDB structure of receptor or ligand. For this, you have to go for the RCSB protein data bank and PDB. Then by searching this onto the Google, बहुत सारे आपको links मिलेंगे जिसमें कि आप जैसे RCSB PDB पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक पेज खुलेगा जिसमें कि सर्च बॉक्स मेंशन होगा. सर्च बॉक्स में जैसे ही आप अपनी एंट्रीज डालेंगे जो भी आपको स्ट्रक्चर सर्च आउट करना हो, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने Pseudomonas aeruginosa जो कि एक बैक्टीरिया होता है उसका मुझे एक्सोटॉक्सिन ए चाहिए था. तो ये एक कोड होता है, हर एक प्रोटीन डेटा बैंक में हर प्रोटीन स्ट्रक्चर का एक कोड दिया गया है 1IKQ. ये स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे सामने ओपन होगी. उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड फाइल्स पे मैं क्लिक करूंगी और PDB फॉर्मेट में ही मैं इसको सेव करूंगी. फर्दर मैं लिगेंड्स को जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में अगर नहीं है मेरा तो उसके लिए मैं PubChem पे गूगल के थ्रू PubChem पे जाऊंगी. नाउ PubChem में भी इस तरह का पेज खुलेगा और एक सर्च बॉक्स होगा. यहाँ पे सपोज कीजिए मुझे सिर्फ जिंजरॉल चाहिए. जिंजरॉल जो कि जिंजर का ही कंपाउंड है, ये प्रोटीन नेचर का नहीं होता है इसलिए मुझे PubChem का हेल्प लेना पड़ा. ये यहाँ पे जैसे ही मैं अपनी क्वेरी डालूंगी जिंजरॉल, एक पेज मेरे सामने खुलेगा जिसमें जिंजरॉल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी. इसका 2D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, उसका रिलेटेड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. उसको डाउनलोड करने के लिए इसी पेज सेम पेज पे बहुत नीचे यहाँ SDF फॉर्मेट होगा. SDF में भी मैं 3D को सेव करूंगी और उस 3D SDF को OpenTable की हेल्प से मैं SMILE फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगी. आइए मैं बताती हूँ वो भी कैसे करेंगे. OpenTable जो कि एक सॉफ्टवेयर था वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड ही करना पड़ेगा. And before performing the conversion of this structure from one format into another one, you have to go for you have to adjust these input format into SDF and this output format into SMILES because आपको SMILE में ही चाहिए आपका result. So finally, इस ये adjust करने के बाद input format and output format, you have to you have to enter the required ligand SDF structure by clicking on to this box. Now, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिंजरॉल एंटर किया हुआ है. नाउ आप कन्वर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका स्माइल्स फॉर्मेट में का रिजल्ट इस तरह से मिलेगा, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल फॉर्मेट कोड में. अब इस स्माइल फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए PDB स्ट्रक्चर में हम ऑनलाइन स्माइल ट्रांसलेटर की हेल्प लेंगे. यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट में इस स्ट्रक्चर ये जो कोड आया था स्माइल्स का
वो मैं केवल अल्फाबेटिकल कॉपी करूंगी, कोई भी डिजिट या न्यूमेरिकल मुझे कॉपी नहीं करना है जो लास्ट में दिया हुआ होता है। तो उसके बाद जैसे ही मैं इसे पेस्ट करूंगी इस इनपुट एंट्री की जगह पे, और ये कुछ एक पैरामीटर है आउटपुट के जिनको कि मुझे पीडीबी और यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में ही मुझे एडजस्ट करना रहेगा, वो मैं मैन्युअली कर सकती हूँ। फिर ट्रांसलेट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, मेरा पीडीबी स्ट्रक्चर डाउनलोड्स में जाके सेव हो जाएगा, उसको आप अपनी पर्टिकुलर लोकेशन में सिस्टम में आप सेव कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द फाइनल स्टेप ऑफ डॉकिंग विद द हेल्प ऑफ हैक्स। जैसे ही आप ये अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आपको रिसेप्टर और लिगेंड एंटर करना रहेगा वन बाय वन। फर्स्ट हम रिसेप्टर एंटर करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन टू फाइल, देन ओपन। हियर अ पैनल विल गेट ओपन विच द फर्स्ट वन इज द रिसेप्टर। सो बाय क्लिकिंग ऑन टू रिसेप्टर इट विल ओपन अनदर पैनल। ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड, आप जितने भी रिसेप्टर लिगेंड या सॉफ्टवेयर जैसे कि हैक्स भी है या कोई और सॉफ्टवेयर से भी काम करें, ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एड्रेस को फॉलो करते हैं। अगर आप इधर उधर अपना रैंडमली कहीं भी स्कैटर्ड फॉर्म में अपना डेटा सेव करेंगे तो यू हैव टू चेंज दिस एड्रेस ईच एंड एवरी टाइम। यहाँ पे मैंने सारा कुछ अपना एक ही जगह सी ड्राइव में ही सेव किया हुआ है और हैक्स के अंदर ही सेव किया हुआ है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मुझे बार बार यहाँ पे एड्रेस नहीं चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अलग अलग कर दूंगी तो मुझे बार बार यहाँ पे सी की जगह अगर मैं डी करती हूँ ये पूरा पाथ मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपको फर्स्ट क्रिएट करेगा। सो हो सके तो आप लोग एक ही जगह इसको लोकेट कीजिएगा। सो नाउ बाय सिलेक्टिंग दिस रिसेप्टर एंड क्लिकिंग ऑन दिस ओके, आई गेट अ वायर फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिसेप्टर ऑफ 1IZAY। नाउ इन द सेम वे आई सिलेक्ट दिस लिगेंड 2 विच वॉज जिंजरऑल। सो यहाँ बबली स्ट्रक्चर जो है वो हमारा जिंजरॉल है लिगेंड का, और ये वायर फ्रेम है हमारा रिसेप्टर। नाउ डॉकिंग परफॉर्म करने के लिए सेम विंडो पे ही कंट्रोल ऊपर है फाइल के जस्ट बगल में, उसको जैसे क्लिक करूंगी एक और पैनल खुलेगा। डॉकिंग सिलेक्ट जैसे ही करूंगी, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर ने अपने आप से ही डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं, आप चाहें तो इनको बड़ा घटा भी सकते हैं। सॉल्यूशन आपको चाहिए कुछ कम, 1000 के सॉल्यूशन में दे 2000 ना दे तो आप उसको भी कर सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो ये 5000 तक जाता है तो वहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। या ग्रिड डायमेंशन में आपको चाहिए कि मैं बढ़ा दूँ, पूरा स्ट्रक्चर मेरा कवर होना चाहिए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और जैसे फिर मैं एक्टिवेट करूँगी, मुझे डॉकिंग थोड़ी देर में सारा परफॉर्म होगी, ये इस तरह के रिजल्ट ई वैल्यू के फॉर्म में आएंगे, ई टोटल और ई शेप, बिकॉज हमारा शेप के साथ में हमने किया ना तो डॉकिंग को इसलिए ई शेप का नाम दिया गया है यहाँ पे। एंड अब आप ई वैल्यू क्या है, तो ई वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी जो कि हमने 11th 12th से पढ़ा भी है, ये जितना माइनस होता है उतना कॉम्प्लेक्स है, उतना ही सिस्टम स्टेबल होता है। सो मोर द वैल्यू ऑफ ई इज माइनस, मोर इज इट्स स्टेबिलिटी। सो दिस इज द ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर डॉकिंग विद द हैक्स। If you like this video, please hit the like button, subscribe my channel for more such interesting videos. Upcoming videos will be related to the same kind of topic and but with the another or different software. Okay, till then, bye bye, stay safe at your home. Bye.